आपको बताओ, मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ाने लग गया था, मुझे पता था मुझे पढ़ाना है, तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाने लग गया था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ा, फिर मैं कोटा आया। तो मैं क्या, कोई मेरे को कोचिंग के लिए एक जगह लेनी थी, तो कोचिंग की जगह लेनी थी, तो शायद 25-30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी वो, तो 25-30 लाख रुपए प्रॉपर्टी थी, तो 5 लाख रुपए तो मेरे पास थे जो मैं कॉलेज से कमा के लाया था, और 20-30 लाख रुपए की लोन लेना था मेरे को। तो हमने लोन के लिए अप्लाई करा, तो सिरे से नकार दिया कि जस्ट पास आउट को हम, तो मैंने कहा चलो एक बार बैंक मैनेजर से जाके मिलते हैं। उसने मेरी फाइल देखी नहीं थी, मैं बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर के पास गया, मैं उनके पास बैठा, तो उन्होंने कहा चलो बात तो कर ही लेते हैं ना। तो मैं, वैसे कोई हमारी जान पहचानी थी, पर मैं जाके गया वहाँ बैठा उनके पास, मैंने कहा सर मुझे लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या करते हो, मैंने कहा पढ़ाता हूँ। अच्छा, कहाँ से पास आउट हुए? तो पहले आप विश्वास मानो, जो जो कह रहा हूँ वो हुआ है। जैसे पहले तो बैंक मैनेजर आगे बैठा था, यहाँ पे 3 कुर्सियाँ लगी थी, ठीक, मैं जाके खड़ा हुआ। उन्होंने बोला सर, मैंने कहा सर मैंने अप्लाई करा है लोन के लिए, वो सेंक्शन नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला क्या करते हो, मैंने बोला सर पढ़ा। उन्होंने बोला कहाँ से पास आउट हो? मैंने कहा सर IIT BHU से पास आउट हो। उन्होंने कहा बैठे बैठी 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 लिटरली दैट इज वॉट हैपन्ड इन रियलिटी दैट इज वॉट हैपन्ड। और विश्वास मानिए, जो लोन मेरा सेंक्शन नहीं था, सिर्फ डिग्री देखकर अगले चौथे दिन सेंक्शन हो गया वो, चौथे दिन। दैट इज द पावर ऑफ दैट डिग्री।